न्यूमेरिकल स्ट्रिप्स आउट, ठीक है। वैसे इस लेसन में ज्यादा फॉर्मुलाज नहीं है, ठीक है, और जो बेसिक फॉर्मुलाज है उनके ऊपर ही बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। सो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑब्जर्व्स स्मोक फ्रॉम अ गन 1.4 सेकंड बिफोर ही हियर्स द बैंग। सपोज एक पर्सन है और उसने किसी गन से, जो किसी और पर्सन ने ऑब्वियसली होल्ड किया होगा, उसने फायर किया है और उसने उस फायर का स्मोक पहले ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्वियसली लाइट पहले ट्रेवल करता है, ऑलमोस्ट उस फेनोमेना होने के टाइम पे उसने उसको स्मोक को ऑब्जर्व कर लिया, और उसके बाद साउंड कितनी देर में, उसका आवाज कितनी देर में पहुंचा है इस तक, सो दैट टाइम इज 1.4 सेकंड। तो यानी कि इनडायरेक्टली जो साउंड गन से प्रोड्यूस हुआ है उसको पर्सन तक पहुंचने में 1.4 सेकंड लगा है। एंड इफ द गन इज 476 मीटर अवे फ्रॉम द पर्सन, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड द गन इज 476 मीटर, तो हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, द स्पीड ऑफ साउंड। हमको यहाँ पे स्पीड निकालनी है, सो वी हैव अ वेरी बेसिक फॉर्मूला, कोई कन्वर्जन नहीं करना, मीटर है, टाइम सेकंड में है, तो हमको सीधे मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। और सो फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला हम किसी भी केस में नॉर्मली भी हम यूज करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू यस डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो दैट विल बी स्पीड, यानी जो हमको कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस है 476 अपॉन टाइम इज 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10, you get the answer as 4760 by 14. इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो इट विल बी 340 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे जो हमको फॉर्मूला लगा है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट वाज वेरी बेसिक। ये दूसरा देखते हैं, अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द क्लिफ फायर्स द गन, यानी कि एक पर्सन है और वो एक चट्टान, एक पहाड़ के सामने खड़ा है और उसने गन फायर किया और उस गन की जो आवाज है वो इस क्लिफ तक पहुंची एंड हर्ड द एको आफ्टर 1.5 सेकंड, और उसकी आवाज जो रिफ्लेक्ट हो गई, ये टोटल टाइम कितना लगा है जाके आने में, इट इज 1.5 सेकंड, ओके। एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड, ओके। साउंड की स्पीड जो एयर में है वो है 340 मीटर पर सेकंड। हमको कैलकुलेट करना है the distance between person and the cliff, how far is the person from the cliff, यानी ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देता हूं तो क्या दिक्कत आएगी यहाँ पे, आई विल गेट द डबल डिस्टेंस, कि साउंड जाके और आ रहा है, टोटल टाइम क्या होगा। तो या तो टाइम को हाफ कर लू या तो डायरेक्टली एक सीधे सा एक फॉर्मूला है वो लगा दो, जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, दैट विल बी टू टाइम्स डिस्टेंस, ठीक है। तो हम डायरेक्टली अपने फॉर्मुला में स्पीड इज इक्वल टू 2d अपॉन t लगाते हैं, अगर हम d कैलकुलेट कर ले तो वो वन साइड डिस्टेंस होगा, ओके। सो ऐसे केस में जब भी एको वाला सिचुएशन हो या रिफ्लेक्शन वाला सिचुएशन हो, या तो सोनार वाला या तो बैट वाला न्यूमेरिकल दिया हो, उसमें जब भी रिफ्लेक्शन वाला होगा तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर रिफ्लेक्शन वाला या एको वाला सिचुएशन है तो टू टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। सो लेट्स सी, दिस विल बी स्पीड कितना है 340 is equal to 2d upon t कितना है 1.5, so this will be 340 into 1.5 is equal to 2d, so t कैसे निकलेगा, 340 into 1.5 upon 2, this will be around 170 और ये multiply होगा तो हो जाएगा 255। so this was the second case। अब ये जो दो हमने यहाँ पे situations देखे हैं बहुत ही basic वाले numerical से chapter के, और एक में हमने एक फॉर्मूला यूज किया स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिकॉज यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला सिचुएशन नहीं था, और जहां भी रिफ्लेक्शन वाला या एको वाला सिचुएशन होगा वहां पे स्पीड इज इक्वल टू 2d अपॉन t यूज होगा, ओके। सो लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट वन।